जय माता दी। जिसने भी आपके मैरिड लाइफ में आपके घर की स्थिति में आपको स्टक किया था, आपके मैरिड लाइफ में थर्ड स्थिति थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की आपको और आपके क्लोज वन को दूर करने की कोशिश की थी, इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन आ गए हैं, कर्म बैक हो गया है। ये व्यक्ति फिर से किसी भी तरीके से किसी और के जरिए आपके तरफ पूरी तरीके से इस व्यक्ति की नज़र है। आपके प्रोग्रेस से इस व्यक्ति को जो जेलेसी से भी ज़्यादा होती है वो चीज़ें हैं, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझते और आपको एक स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको सक्सेस की राह पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। मैं बहुत लोगों को ये देख पा रही हूँ कि आप सफल हो चुके हैं, तो आपकी सफलता को या तो ये भुनाना चाहते हैं आपको अपने साथ कनेक्ट करके, या आपकी सफलता पर इनकी बुरी नज़र है और आपके सक्सेस पर, आपके सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ पर, आपके सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ पर, जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा अभी मिली है। ये काफ़ी डेविलिश एनर्जी में है। आपके लाइफ पे देखिए ग्रोथ आ रहा है, अचीवमेंट आ रहा है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी यहाँ पर जैसे होता है ना 12 जो स्थान होते हैं, कौन होते हैं, वहाँ पर कहीं पर आपका वर्गो है, कन्या राशि भी है, ठीक है। तो ये 9th में हो सकता है, 10th नंबर में हो सकता है, आपका फर्स्ट नंबर में भी आपका वर्गो साइन हो सकता है। देखिए तीन कुंडली जो रहती है ना, नवमांस कुंडली, आपकी चंद्र राशि और फिर आपकी लगन, तो इनमें आप देख सकते हैं ये स्थिति अभी की आपकी है। मटेरियल लाइफ आप गेन कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको इसलिए स्टक करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके जैसे कहते हैं ना कि इनके आसपास रहें या आप इनको अप्रिशिएट करें। आपको कोई अप्रिशिएट करे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस व्यक्ति ने ही आपके लाइफ में स्टकनेस लाया था। आपके आपके और आपके क्लोज वन हमेशा मेहनत करते रहे। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी वर्गो साइन है, ठीक है। तो वर्गो अर्थ आपके अर्थ को रोकने की कोशिश, आपके स्टेबिलिटी को रोकने की कोशिश इस टॉक्सिक व्यक्ति ने किया है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में 8 नंबर 9 नंबर 27 नंबर 17 नंबर 26 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। ये इस व्यक्ति की नज़र पूरी तरीके से, देखिए ये फायर साइन के हो सकते हैं, इस व्यक्ति की बहुत बुरी नज़र, बुरी नज़र में बहुत बुरी नज़र आपके वर्क के तरफ है। यदि आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, तो इनकी पूरी पूरी नज़र आपके कार्य पर है। लगातार 2 महीने से ये अपना काम धाम छोड़ के यही सारी चीज़ें करते हुए बैठे हैं कि क्या हो रहा है आपके कार्य में, ठीक है। ये आपको कॉल या मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डिसबैलेंस हो, आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके मैरिड लाइफ में आपके ये व्यक्ति ना नहीं चाहते कि आपका अपना खुद का घर हो, ये बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आपका अपना खुद का घर हो। 4 नंबर ये इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी कंफ्यूज किया है। आपका हार्ट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया है, वशीकरण, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपको इस व्यक्ति से आप कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा एक फाल्स ईगो कहेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में देख कर इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा क्रोध, इरिटेशन, हर प्रकार की वो चीज़ें क्रोधित, ये इस व्यक्ति ने साम दाम दंड भेद हर चीज़ की आपको रोकने के लिए, आपके प्रोग्रेस को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को रोकने के लिए, लेकिन वो चीज़ें कर्मा बैक हो गई क्योंकि आपके साथ स्वयं माँ काली माता जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में भी 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा कुछ समय पहले, 10 मंथ के पहले, अक्टूबर के मंथ में इस व्यक्ति ने जो चीज़ें आपके साथ की है ना, वो चीज़ें इस बुरी तरीके से इस व्यक्ति के तरफ बैकफायर हुआ है। इस बुरी तरीके से इनके साथ कोई फीमेल भी है, ठीक है, तो उनके तरफ भी उनका जो वर्क है पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। पूरी तरीके से जो उनका कार्य है एक प्रकार से मतलब उनको ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कार्य करूँ, है ना। अगर वो किसी ऐसे आपके ही क्षेत्र से हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी प्रोग्रेस को सिर्फ देख कर क्लैप कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनको ये समझ में आ रहा है क्योंकि आपके तरफ ही
ये सारी ऊर्जा कैसी है कि आपने किसी को अपना समझा या किसी ने आपके अपना बनकर आपके पीठ में छुरा किया हो, टेन ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। तो इनमें से कुछ लोग जो है फायर साइन के हो सकते हैं, कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके क्लोज वन या आपके आपको जो काफ़ी पसंद करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, आपके सोलमेट आपको बताना चाहते हैं कि यू आर लवेलेबल, आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी हैं। यहाँ पर आप धनु राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में थी वो चीज़ें डेविलिश एनर्जी को खींच कर निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए एंजल्स हैं, तो लिटिल एंजल आपके आसपास है, प्रेम की वर्षा में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लाइफ में प्रेम की वर्षा यहाँ पर होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और यही चीज़ कोई रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये व्यक्ति आपके बर्थ चार्ट को या आपके लिए रीडिंग या ऐसी निगेटिव स्पेल वगैरह भी करवाते आए हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने फैमिली के साथ बैठकर थोड़े टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में थ्रोट चक्रा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हैं। ये हेल्प आप अपने एंजल से मांग सकते हैं, आप अपने गुरुदेव जी से, इष्ट देव जी से, आप जिनको भी मानते हैं उनसे आप हेल्प जरूर मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, देखिए न्यू लव का जरूर है लेकिन यहाँ पर ना एक नयापन होगा आपके प्रेम में। आपके प्रेम में जो स्टकनेस भर दिया गया था, आपके लिए किसी की नज़र बहुत ज़्यादा बुरी थी जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे, या तो आपके लिए या तो आपके क्लोज वन के लिए, जिसकी वजह से आपके थर्ड आई चक्र पर आपके कार्य को बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर डिसबैलेंस देख रही हूँ। 15 साल 16 साल लगभग ये चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनल सपोर्ट कीजिए अपनी फैमिली को, ठीक है, फैमिली को टाइम दीजिए, प्रायोरिटी आपको देना है परमात्मा जी की कृपा से, और जितने हो सके एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आपके मन में जो अंतर द्वंद्व चल रहे हैं उससे बाहर निकल जाइए, जो भी डाउट है वो डाउट को क्लियर कर लीजिए बात करके बैठ के अपने क्लोज वन से, अपने फैमिली मेम्बर से, और एंजल्स का सपोर्ट लीजिए क्योंकि एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको एंजल्स बटरफ्लाई जो है नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर आपने इस व्यक्ति की वजह से, इस टॉक्सिक व्यक्ति की वजह से आपने एक प्रकार से हलाहल विष पिया है, ठीक है, आपने ऐसी स्थिति का सामना किया है जो आपके अपनों से आपको दूर करती है किसी भी प्रकार से, इमोशनली या माइंड से। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा माइंड से चलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक ये समझते हैं, लेकिन इनकी चालाकी परमात्मा जी डिवाइन इंटरवेंशन में इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस आपने किया है, आपने अपने अपनों से आपको दूर रहना पड़ा किसी भी प्रकार से, तो वो चीज़ें समाप्त, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर समाप्त करें, जो भी ऐसी मिस्टेक हुई है उसे यहाँ पर करेक्ट किया जा रहा है। शिव परिवार जी की असीम कृपा है, गणपति जी की असीम कृपा है। डिले किया गया है कर्मा बैग, जिसने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें, जो निगेटिव चीज़ें आपके तरफ भेजी गई थी, कुछ मिलाकर कुछ चीज़ें करके आपके तरफ आपको रोकने के लिए, आपको वीक करने के लिए, आपको आप रेस्ट मोड में चले जाए, ठीक है। देखिए आपका अगर कोई कार्य है थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ तो आप सोच समझ ना सके, उन चीज़ों को आप कर ना सके, ठीक है, इसके लिए किसी ने बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही जैसे कहते हैं ना टॉक्सिसिटी से भर कर टॉक्सिक चीज़ें ही आपके तरफ सेंड किया था, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ वापस कई गुना ज़्यादा भेज दी गई है। आपको कहा जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, परमात्मा जी एक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकाला गया है, आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या चीज़ देखा है। तो किसी के लिए जो अनमैरिड हैं उनके लिए कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपके ट्रू लव हैं। यदि आप मैरिड हैं, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर 80% जो है मैरिड लोगों के लिए मैसेज है, जो मैरिड लाइफ में है लेकिन उनके लाइफ में किसी भी प्रकार की स्टकनेस है, थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की, आप लोगों को डिस्टेंस करने की कोशिश की, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील हो रही है। डेविल की ऊर्जा आपके लाइफ से पूरी तरीके से वापस भेज दी गई है, जहाँ से आई थी वहीं वापस चले गया है। टेक केयर।